मैं ऋषि भारद्वाज, अध्यक्ष पादप विद्युत निगम। नमस्कार, नीरज वत्स। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि बाल विद्युत ब्रिगेड डेली कम से कम 1000 लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करवा रही है, और उसके लिए हमारी टीम है जो सबसे पहले तो ये जाके देखती है कि हम खाने की किसको रिक्वायरमेंट है। हमारे व्हाट्सअप नंबर है, हम उन पर कॉल आती है, उसके बाद हमारी टीम जाके चेक करती है। उसके बाद एक टीम हमारी है जो खाना पैकिंग करके बना के और उसको वहाँ के प्रोवाइड करवाती है। बिल्कुल साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है इसमें। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा। बहादुरगढ़ यूथ ब्रिगेड के जितने भी युवा हैं, इन्होंने कसम उठाई है कि इस लॉकडाउन के दौरान कोई भी इस बहादुरगढ़ शहर में भूखा नहीं रहना चाहिए, और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस यूथ ब्रिगेड के माध्यम से पूरे बहादुरगढ़ शहर में अलग अलग जगहों पर, लाइन पार भी, नई बस्ती है, ओमैक्स हो गया, सब बोल पूरे बहादुरगढ़ के अंदर जहाँ कहीं से भी किसी भी व्यक्ति की कॉल आती है कि वो भूखा है, कोई परिवार भूखे हैं या ज़्यादा संख्या में भी हैं, तो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर जाकर उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद सुबह शाम दोनों समय पका हुआ भोजन हम उनको प्रोवाइड करते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि बहादुरगढ़ में जब तक लॉकडाउन चले और शासन प्रशासन के सहयोग से हम इस हर एक व्यक्ति तक भोजन की सुविधाएँ पहुँचाएँ। श्री राम, मैं सभी बहादुरगढ़ वासियों का धन्यवाद करता हूँ, यूथ ब्रिगेड बहादुरगढ़ का धन्यवाद करता हूँ। हमारी मुहिम ये है कि कोई बहादुरगढ़ में कोई भूखा ना रहे।